ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण सहरसा स्टेशन पर रविवार को 2000 यात्री रह गए। रविवार को अहले सुबह 3:15 बजे लंबी दूरी के लिए पहली ट्रेन के रूप में अमृतसर को जनसाधारण एक्सप्रेस खोली गई। उसके बाद नई दिल्ली जाने वाली क्लोन स्पेशल फिर वैशाली एक्सप्रेस खुली। उसके बाद आनंद विहार को पूर्वी एक्सप्रेस गई। सबसे अंतिम में 3.5 घंटे देर से आई गरीब रथ एक्सप्रेस अमृतसर के लिए खोली गई। पेट की खातिर पलायन करने वाले मजदूर यात्रियों की भीड़ इतनी थी कि हर ट्रेन के अनारक्षित और स्लीपर कोच ठसाठस भर जाते थे। बोगियों में क्षमता से 2.5 गुना अधिक मजदूर यात्री सवार हो जाते थे। बचे मजदूर यात्री दूसरी ट्रेन में जगह पाने की जुगाड़ में लग जाते थे। एक अनुमान मुताबिक रविवार को 7 से 8 हज़ार की संख्या में मजदूर यात्रियों को पलायन हुआ। सहरसा से अमृतसर को गई जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन में 18 बोगी लगी थी। 18 बोगी में लगभग 1800 यात्रियों की बैठकर सफ़र करने की क्षमता थी, लेकिन कमाने जाने को बेताब मजदूर यात्री मानने को कहां तैयार थे। ट्रेन में करीब 2.5 गुना अधिक सवार हो गए, जिसके शौचालय भी ठसाठस भरे हुए थे। सहरसा से आनंद विहार को गई पूर्वी एक्सप्रेस के 6 स्लीपर कोच में 2000 और अनारक्षित कोच में 400 सीट निर्धारित हैं। इसमें लगभग 2.5 गुना अधिक यात्री भर कर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।